गाइस, माय नेम इज अपूर्वा एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली आज मैं ना कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाली, ना कोई टॉपिक डिस्कस करना है। आज ना कुछ इंटरेस्टिंग शेयर किया जाएगा। आज आपको मैं ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हाँ, ऑब्वियसली डोंट गो डोंट स्किप दिस, बिकॉज ये हर लॉ स्टूडेंट के लिए एंड एवरी स्टूडेंट जो भी कोई ऐसी पोस्ट के लिए ये तैयारी कर रहा है, इट्स वेरी मे बी यूजफुल। एटलीस्ट यूजफुल नहीं तो इतना तो होगा कि आपको एक क्लियर सिक्वेंस मिल जाएगा। बिकॉज जब मैं जा रही थी तो आई वॉज रियली टोटली ब्लाइंड कि भाई होता क्या है, तो ये होता क्या है वाला तो आज क्वेश्चन हट ही जाने। आज मैं ना आप लोगों से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB के इंटरव्यू का जो फर्स्ट स्टेज होता है स्क्रीनिंग, उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और SSB सेंटर का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हाउ वॉज इट, कि कितना मिथ है और कितना फैक्ट है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। So this is the SSB Service Selection Board JAG entry, मतलब जज अटॉर्नी जनरल की एंट्री थी। तो ये आर्मी के लिए बेसिकली होती है और भी स्टेट्स में अलग अलग होती है, तो ये मेन जो था मेरा आर्मी के लिए था। तो इसमें मेरा जो सेंटर था भोपाल पड़ा था, तो मैं आज आपको भोपाल का SSB सेंटर का पूरा एक्सपीरियंस और स्क्रीनिंग के टाइम पे क्या कैसा था वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, ये जो क्या होता है एक ओवरव्यू समझ लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक इस तरीके का एक PDF आपको मिलेगा, जो व्हेन यू आर बीन, आपके पास एक ईमेल आएगा, मैसेज आएगा दैट यू आर बीन शॉर्टलिस्टेड काइंड ऑफ समथिंग। तो उसी में आपके लिए एक ये PDF आपको जाके अपनी आर्मी वाला जो साइट है वहां से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। या दिस इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो क्राइटेरिया रहता है अभी, तो उसमें आपके पास ये जो आएगा, सबसे पहले आपके पास एक मैसेज थी एड्रेस आएगा। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग विल बी एट मेन गेट सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन नियर गुफा मंदिर लाल घाटी भोपाल। सो ये जो बेसिक एड्रेस था, ये पूरा एड्रेस था उस जगह का जहाँ पे सेंटर था। वरना जनरली मैंने लोगों से जो सुना था, आप भी सुनेंगे, कि आपकी यहाँ से बस लेने आएगी, ये होगा वो होगा, नो इट वॉज लाइक कि बस लेने आती है बट अंदर जहाँ पे एग्जाम होता है वहाँ के लिए। तो ये जो मेरा एड्रेस था ये मेन सेंटर का ही था, बट वहाँ से एक बस आई एंड टुक टू मी टू द नेक्स्ट प्लेस, मतलब मेन जहाँ पे का एग्जाम होता था। सो दिस वॉज, यहाँ पे टाइम भी मेंशन है, यू कैन सी योर टाइम यहाँ पे है। टाइम आपको उसमें मैसेज में भी आएगा आपके पास में, एंड आपके पास में वो मेल पे भी रहेगा, और आपकी इस जो आपका ये एक कॉल लेटर जो आपके पास आता है उसमें भी क्लियरली मेंशन होगा। सो मैंने इसमें क्लियर लिखा था ऑन अंडर योर ओन अरेंजमेंट, आपको उस गेट तक अपने अरेंजमेंट से पहुँचना है। फर्दर दे विल टेक यू अकॉर्डिंग टू यू देयर परसेप्शन, देयर जो भी इनका होगा। हुआ यही था, मैं 5:30 बजे नहीं, मैं 5 बजे एकदम वहाँ पहुँच गई थी, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू बी लेट। एंड मैं उसका भी आपको फोटो दिखाऊंगी, पर लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। इसमें और चीज़ें दी हैं कि कोई चेंजेस नहीं हो सकता फलाना ढिमकाना। SSP इंटरव्यू दूसरी फील्ड्स में भी होता है, जैसे NDA, CDS, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। जैक के बारे में और जानना है तो प्लीज़ मेक श्योर टू मेंशन इन द कमेंट। नॉट स्टार्टिंग विद माय एक्सपीरियंस इन SSB स्क्रीन। दिस इज द मेन एंट्रेंस, आप यहीं पे आके खड़े होंगे, ठीक है। जो आप अगर भोपाल आपका सेंटर पड़ता है और सेम इन्फेंट्री लाइन सुल्तानिया में आपको बुलाया जाता है, सो दिस इज द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू स्टे। तो आप यहीं पे होंगे, यहाँ पे आपकी दिख रहा होगा आपको वन, तो आप यहाँ पे खड़े होंगे कहीं पे चिकन लाइन में। एक तरफ फ्रेशर्स की लाइन बनती है, एक तरफ रिपीटर्स की लाइन बनती है। उस रिपीटर्स में दो कैटेगरी रहती है, एक रहती है जो स्क्रीन इन हुए होते हैं फिर बाद में आउट हो गया होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं। तो ऐसे करके लाइन होती है, दो लाइनें बनेंगी फ्रेशर्स। आई थिंक मेरे हिसाब से लमसम मेरे ऐसा होता है कि हर डेट पे होता है, मतलब 2-3 डेट पे चल रहा है, 21, 20, 22 ऐसे 3 डेट्स में था। ओके, ओनली देयर वर गर्ल्स, बिकॉज बॉयज का कहीं और हो चुका होगा या पहले हो चुका होगा, नो आइडिया। इसके बाद में आपको खड़ा रहने देंगे, उसके बाद यहाँ पे मेरा कोविड का सर्टिफिकेट टेस्ट चेक हुआ था, जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था। उसके अलावा यहीं पे ही जो एप्लीकेशन का एक ऑनलाइन आपको लेके जाना रहेगा प्रिंट आउट, वो चेक हुआ था है कि नहीं, कि मैंने सही में अप्लाई किया कि मैं फर्जी हूँ। तो दोनों चीज़ें यहीं सी गेट पे आपकी चेक हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी गाड़ी आती है, यहाँ पे बस आएगी, आपको अपना लगेज लेना है, उस बस में चढ़ना है, वो बस आपको सेंटर पे पहुँचा देगी। और वो सेंटर ये इस सेंटर के गेट पे आप आ जाएंगे, दिस इज योर मेन प्लेस वेयर द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। यहाँ एग्जाम हुआ था मेरा, कुछ यहाँ देख सकते हैं ये वाला एरिया,
इधर कहीं एग्जाम जाना था, यहाँ पे लाइन वाइन सब फॉर्म हुआ था। ये बहुत अच्छा एरिया है, बिकॉज आई जस्ट लव दिस प्लेस, बहुत अच्छा है, कैंटोनमेंट जोन है ऑब्वियसली आर्मी का, तो इट्स वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या हुआ था, हम लोग बस से आए, बस से यहाँ पे उतरे इस प्लेस पे, उसके बाद में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। डॉक्यूमेंट्स में हमारा फाइनल ईयर का मार्कशीट, हमारा डिग्री, हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग और एक क्लेम रिस्क वाला, नो रिस्क क्लेम वाला एक अपेंडिक्स था, वो ये सारे फॉर्म्स यहीं पे चेक हुए थे। वहाँ पे हम लोग को हमारा बैच नंबर मिला, तो आई थिंक यू कैन सी माई दिस नंबर, ये नंबर हम लोगों को ऐसे करके बैच नंबर्स मिले थे, दिस इज मी। ये बैच नंबर्स हम लोग को मिले थे, मेरा 40 था, तो नंबर ऐसे करके मिल जाता है आपको अपने अपने फॉर्मल्स पे ही आपको उसको वियर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया गया, दैट वॉज अ वेरी नाइस थिंग कि हम लोग को इमीडिएटली, क्योंकि मॉर्निंग का था, हम लोग आई थिंक, मुझे लगता है इस स्टेप तक पहुँचते पहुँचते मुझे 7 बज गया था, 5:30 का आए हुए, बल्कि मैं तो 5 पे आ गई थी। बाद में हम ब्रेकफास्ट के लिए गए, हेड जो भी मैंने खाना पीना था मैंने खाया पिया, उसके बाद हम लोग को फिर बुलाया गया। ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ थी, तो सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद एग्जाम शुरू हुआ। पहले हम लोग का फ्रेशर्स का होता है, फिर उसके बाद रिपीटर्स का। तो फ्रेशर्स का पहले हुआ, फ्रेशर्स में क्या था, एक बड़ा सा हॉल था, आई डोंट हैव पिक्चर बिकॉज फोन वर नॉट परमिटेड देयर, उन सबमिट हो गए थे हमारे ब्रेकफास्ट के बाद में, तो हम लोग वहाँ गए। देन वी वेंट फॉर अ, मतलब एक बहुत ह्यूज हॉल था जिसपे एक बड़ा सा पूरा एकदम प्रोजेक्टर और में लोग बैठ रहे थे, तो फर्स्ट सिटिंग हम लोग का था, तो अप्रॉक्स आई थिंक 100 लोग आराम से आ रहे थे। देवर्स पहले आते हैं उस हॉल में, दो इंटरव्यूइंग ऑफिसर, सबसे पहले जो आते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो आते हैं, हम लोगों को पूरा चीज़ें बता देते हैं, एक्सप्लेन कर, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ऐसा ऐसा रहेगा, आपको आइडिया है कि नहीं है। लेटर ऑन ही आस्क फॉर द क्वेरीज हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, जो हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आते हैं, वो फाइनली हम लोग को पूरा प्रोसेस फिर से बताते हैं। देन ही स्टार्ट विद फर्स्ट, तो फर्स्ट हम लोग का जो रहता है, और वहाँ पे हम लोग के दो टेस्ट होने होते हैं, एक इंटेलिजेंट टेस्ट होता है और एक पीपीडीटी टेस्ट होता है, सर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। तो हम लोग का जो इंटेलिजेंट टेस्ट हुआ था, वो दो राउंड में हुआ था, पहला 32 मिनट्स का हुआ था, फिर 21 मिनट का हुआ था अप्रॉक्स। तो 32 वाले में जो था, तो वो पहले आपको उसी, आपको प्रोजेक्टर के थ्रू में आपको बताएंगे, एग्जांपल्स देंगे क्वेश्चंस के, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दे विल टेल यू, वो उसमें पूरा आपको दिखाएंगे, उस पर इंस्ट्रक्शंस होंगे, सब कुछ होगा। देन आफ्टर यू विल बी गिवन अ टाइम पीरियड, हमको 32 मिनट्स मिला था फर्स्ट में। आई एम गोइंग टू लिटरली टेल यू कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो 32 मिनट फुर हो गए, इट इज़ वेरी रैपिड कि वो जो 32 मिनट्स मिलेंगे वो कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आई थॉट कि दे विल टेल मी कि भाई इतना टाइम रह गया है, नो दे आर नॉट टेल यू, और सीधा एक बेल बजाते हैं, वो बेल आपकी शायद कान में भी नहीं जाएगी, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड ऑन योर एग्जाम, एंड फट से देखेंगे कि टाइम आउट एंड यू हैव टू स्टॉप राइटिंग, सिंपल, यू कांट हेल्प इट आउट, आपका वो एग्जाम ही सर बस एक मिनट, सर एक मिनट, बस एक आंसर, आप सब कुछ नहीं होने वाला, आपको तुरंत देना पड़ेगा, स्टॉप इन स्टॉप। तो नेक्स्ट थिंग कम्स, फिर ये हो गया भाई, उसके बाद देखिए बस 5 मिनट्स ब्रेक, सो 5 मिनट्स में हम लोग को वॉशरूम वगैरह जाना था, सोते गए। उसके बाद में आफ्टर 5 मिनट इमीडिएटली नेक्स्ट टेस्ट स्टार्टेड, सेम 21 मिनट अप्रॉक्स गिवन था, तो वो भी नहीं पता चला कहाँ गया, बट दैट टेस्ट वॉज लाइक कि ठीक है, फिर भी पता चला, कुछ आइडिया लग गया था पहले टेस्ट की वजह से। उसके बाद हम लोगों को फिर 5 मिनट्स का ब्रेक मिला, 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद हमारा पीपीटी का सेशन तुरंत स्टार्ट होना था। उसमें एक पिक्चर दिखाई गई थी, जिस पिक्चर से आपको अपनी स्टोरी दिखनी थी, उस पर आपको 30 सेकेंड्स मिले। उसके बाद में आपको 1 मिनट मिला वो सब डिटेल फिल करने को, एक्शन लिखने को। उसके बाद में आपको 4 मिनट्स मिले आपकी स्टोरी लिखने को। मैं तो वैसे भी पहले से भी अनश्योर थी कि वुड आई विल बी एबल टू राइट अ स्टोरी इन 4 मिनट्स, बिकॉज मैं स्टोरी को ही फ्रेम करने, वो ही फ्रेम व्रेम करके आपको 4 मिनट में लिखना था। होने के बाद वही स्टॉप, कॉपीज ले ली गई, नाउ इट्स टाइम टू गो आउट, आपको बाहर ले गया गया, क्यू में खड़ा किया गया, आपको हर टाइम सिर्फ आपके नंबर से बुलाया जाएगा, चेस्ट नंबर दिस 1-2 इतना एक लाइन में। तो हम लोग का ऐसा था कि 1-14 करके खड़े हो गए, एक ग्रुप बना था, ऐसे ही ग्रुप जो मेरा था वो मेरा थर्ड नंबर पे ग्रुप था, तो थर्ड नंबर पे ग्रुप गया, तो वहीं पे हम जब हमारा टाइम एंटर हुआ तो 3 लोग बैठे थे इंटरव्यू मतलब ऑफिसर्स जो थे। इट इज़ नॉट लाइक स्कैरी थिंग, आपको बहुत डर नहीं लगेगा, बट आप थोड़ा नर्वस होंगे अगर आप प्रेशर हैं तो, डेफिनेटली, बट दिस इज़ वेरी एल्टर लेटर।
तो वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल था, एकदम थोड़ा खतरनाक डरावना टाइप का। वहाँ पे एक रूम ऐसे बैठे, एक तो सबसे बैड थिंग वॉज कि मैं थर्ड नंबर पे थी, वो भी थर्ड लास्ट थी, तो आई फील कि थोड़ा सा ऑलरेडी लूज लगता है। इतनी स्टोरियाँ सुनने के बाद भी फील लाइक इरिटेटेड, और आपको अपना स्टोरी भी याद नहीं रहता, आपको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये रिविजन वाला टाइम नहीं है वहाँ पे, सोच लीजिए कुछ रिविजन विविजन नहीं मिलेगा, सीधा कॉम्पिटिशन, और आपको फटाक से प्रेजेंट प्रेजेंट किया। एंड फिर उसके बाद एक आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको कुछ समय मिलता है, उसमें आपका भाषण बचती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, अच्छा भी होता है, यू हैव टू जस्ट टेक योर ग्रुप टुगेदर। तो वही सब में के बाद एक फॉर्म होती है सिंगल स्टोरी ग्रुप की, वो एक इंसान कोई भी प्रेजेंट कर सकता है, नो मैटर आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद इट हैपन, ऐसे सब प्रोसेस में चलता रहेगा सारे ग्रुप्स का। लेटर ऑन आपको ग्राउंड में छोड़ दिया जाएगा, वो ग्राउंड आपका जो था, हाँ यही ग्राउंड था। यहाँ पे देखिए जो हम लोग बस से लगेजेस लाए थे वो यहीं पे ऐसे ग्राउंड में रखे थे, इसी ग्राउंड में आपको छोड़ दिया जाएगा। रहिए, जो करना है कीजिए, खाने के लिए जाइए, लंच ब्रेक था, लंच के लिए भेज दिया गया, जिन का होता चला गया। सो इट वॉज लाइक कि अब शायद 2 बजे तक कि हाँ रिजल्ट आएगा, एंड दैट रिजल्ट पूरा सिक्वेंस जो आया वो 4:30-4 बजे के आसपास आया था, उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। दिस वॉज होल प्रोसेस। तो जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग अंदर चले जाते हैं, जो लोग नहीं होते हैं टेक योर लगेज गो बैक, आपको बस वहीं मिलेगी जहाँ से लिए वहाँ छोड़ देंगे, छोड़ेगी कहाँ, यहाँ छोड़ देंगे, जहाँ से आपको उठाई वहीं पे आपको छोड़ देंगे। तो एज पर आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 थिंग इन दिस वीडियो, फर्स्ट माई एक्सपीरियंस, सेकेंड थिंग की वॉट मिस्टेक आई थिंक अ पर्सन एक्चुअली डू एज अ फ्रेशर। तो पहली थिंग ये थी कि एक्सपीरियंस वॉज गुड, खाना वॉज ओके, बट नॉट सो गुड नॉट सो बैड ओके। बाकी क्लासरूम्स द लोकेलिटी वॉज टोटली क्लीन, बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। सेकेंड थिंग, ट्रीट भी बहुत आपको अच्छे से करेंगे, बहुत ग्रीट करेंगे, दे बहुत मोटिवेट करेंगे, एवरी थिंग वॉज नाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको नर्वसनेस होगी डेफिनेटली, कॉन्फिडेंस भी लूज होगा वेन यू विल सी मोर कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं या बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो आपको थोड़ा नर्वसनेस अंदर से खुद हो जाती है। आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे भी हुई थी। क्लास उस रूम में जाएंगे, हॉल में जाएंगे, आपको फोकस अपने पे करना है, स्टोरी सुनने के बावजूद आपको अपनी स्टोरी से नहीं भटकना है, सबका स्टोरी भी सुनना है, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा खराब वो टाइम लगा जो 1 से 4 के बीच का था, बिकॉज दैट वॉज लाइक कि खत्म ही नहीं हो रहा था। यू विल फाइंड सो मैनी न्यू फ्रेंड्स, यू विल इंटरेक्ट विद सो मैनी काइंड ऑफ पीपल, आपको बहुत वैराइटीज मिलेंगी, बहुत लोग मिलेंगे, लॉक ही होंगे तो आपको पता चलेगा कौन कहाँ क्या कर रहा है, विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज देयर। ना कमिंग टू माई थिंग, मुझे लगता है जो इंसान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फर्स्ट थिंग टेक योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल फोटो कॉपी, एवरी थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि आपका सब कुछ है। सेकेंड थिंग, यूनिफॉर्म शुड बी देयर, यूनिफॉर्म सब होना चाहिए, बिकॉज आपके हर एक्टिविटी को दे वॉच, वी थिंक कि नहीं करते हैं दे वॉच। मेंटेन योर डेकोरम योर सेल्फ, अपने आप को मेंटेन रखिए, दस कीप इन माइंड कि यू हैव टू बी योर सेल्फ। हम तो मस्त है, हम तो मोहल्ला है, ऐसे नहीं रहना हुआ, बी लाइक वेरी काम, पेशेंट, कॉन्फिडेंट, ये सब बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग वॉट आई फेल्ट कि एग्जाम के टाइम पे यू डोंट हैव एनी वॉच, यू डोंट हैव मतलब एनी आइडिया कि टाइम क्या, सो बी ऑन योर एग्जाम फोकस्ड। आप बस जल्दी जल्दी MCQs कीजिए, पहले सेट में 50 क्वेश्चन थे, 32 मिनट्स थे वेरी कम, तो फटाफट फटाफट आप जल्दी से अपना कीजिए, जितने आपको आते हैं वो कीजिए। एग्जाम्स में गलती क्या था, पहला गलती ये था कि आई वॉज लाइक मैं एक साथ साथ सीरीज में कर रही थी कि 1 आया 2 आया उसके बाद, नहीं 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 आपको जो आते हैं ना वो पोर्शन के पहले ढूंढ लीजिए, फटाफट पहले वो कर लीजिए, 32 मिनट्स बहुत कम है, पहले वो वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि मैंने सेकेंड सेट में यही वाला ट्रिक अपनाया था, वो कर लीजिए जो आपको बहुत ईजी आते हैं, जो नहीं आते स्किप कर दीजिए, नो मैटर कितने कर रहे हैं, नो मैटर, सिर्फ आपका एक साइकोलॉजी टेस्ट देख रहे हैं कि कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, यही सब देखेंगे। तो फटाफट से वो कीजिए जो आपको आते हैं, उसके बाद में जो कम आते हैं वो कीजिए, फिर टाइम बच रहा है तो बाकी तुक्के मान लीजिए या जैसा भी आपको आता कर लीजिए। नेक्स्ट वाले में भी सेम प्रोसेस कीजिए। PPTT में मैं वही बोलूँगी, 30 सेकेंड आप प्लीज़ फिर से पिक्चर को ही ऑब्जर्व कीजिए। मैंने पिक्चर को ऑब्जर्वेशन के साथ में स्टोरी भी फॉर्म करने लगी थी, इसलिए शायद थोड़ा टाइम चला गया था मेरा। सिर्फ स्टोरी पर फोकस करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे लोगों को, शायद स्टोरी लिखते टाइम फ्रेम भी हो जाए ऑटोमेटिक, हाँ, और ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो स्टोरी लिखनी है, सो डोंट ट्राई टू मेक सो मैनी मतलब बहुत सेंटेंस को बहुत अच्छा, बहुत फॉर्म्ड करने की कोशिश मत कीजिए, नो मैटर आपने मतलब इज देम आर का गलती किया है, दैट्स ओके, टोटली फाइन। स्टोरी का क्रक्स समझ में आना चाहिए, स्टोरी समझ में आनी चाहिए, एक्शन समझ में आना चाहिए,
उसका डिटेल समझ में आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है, मैंने ये गलती की, सेंटेंस को सही फॉर्म करने में शायद थोड़ा डिले कर दिया. स्टोरी अगर आपका एक्शन तक लिखा है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट्स ओके. आप प्रेजेंटेशन अच्छी दीजिए, वहाँ मिस्टेक हो गई इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वहाँ पर नो दिक्कत होगा क्योंकि वो स्टोरी आपको सुनते जाता है, लिखा क्या है इतना मैटर नहीं करेगा. सो अगर आपने स्टोरी को अच्छे से नरेट किया है सो दैट विल बी प्लस. आप नरेशन में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लाइक कि आपने स्टोरी का क्रक्स जो है मेन एक्शन है उसको नहीं चेंज किया है, बट अपना जो पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए थे बस वही आगे का बताया, तो ठीक है. पूरा स्टोरी नहीं बदल सकता, स्टोरी भी नहीं बदल सकते, ठीक है. किसी और का सुन के स्टोरी मत बदलिएगा, दैट विल बी वेरी क्रॉस, एकदम निगेटिव चला जाएगा. नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ग्रुप डिस्कशन में आई थिंक यू शुड बी वेरी एक्टिव. एक्टिव का मतलब ये नहीं अरे हाँ चाहिए बोलना नहीं है चलो बोल ले, नहीं 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 आपको बोला जाएगा कि तीन बार बोलिए, दो बार बोलिए, चार बार बोलिए, नो मैटर कब कितना बोलिए, बस याद रखिए पहले बोलिए. अगर आपने पहले बोला और सही बोला यू आर गोइंग टू गेट दैट पॉइंट. अब एक और सवाल आता है कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. आई वुड सजेस्ट नो मैटर्स, क्योंकि 15 दिन में आप कुछ नहीं सीख पाते, बट इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू डू कोचिंग जस्ट डू इट. यू वॉन्ट कि आप बहुत क्लियर हूँ एंड यू वॉन्ट द फर्स्ट, लाइक मैं नहीं कह रही वहाँ पे सब कोचिंग करके आए थे, ये आपको करनी ही जरूरी है, बट इफ़ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू डू या इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू डू डू इट. क्योंकि बहुत एक क्लियर मतलब पिक्चर होगा आपके सामने, एक आपको ना डेमो चल जाएगा तो आपको आइडिया होगा. बट हाँ इन पीपीटी डोंट मेक द स्टोरी जो आपने कोचिंग में पढ़ी, कोचिंग में स्टोरीज पढ़ी हुई कहीं पढ़ी हुई कोचिंग या यूट्यूब पे देखी हुई इज वेस्ट. मेक योर ओन. आप यूट्यूब पे भी हेल्प ले सकते हैं आपको एक आइडिया फ्रेम करने के लिए, वहाँ करना देखिए आपको अपना ही है, बस आपको आइडिया मिल जाएगा. बट दीज वर द लिटिल मिस्टेक व्हाट आई फाउंड कि आपको नहीं करनी चाहिए. बहुत डिटेल में अगर आपको जाननी है पूरी पीपीटी और ये आगे का गलतियाँ नहीं गलतियाँ सब कुछ चीज़ें, तो जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस भोपाल सेंटर. सो ओके सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग.